सब भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। मैं केनंद रोधी आपके अपने यूट्यूब चैनल केनंद रोधी डायरी फार्म पर आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो ने शेयर कर दियो, और जो भी पशुपालक अपने चैनल पर पहली बार आया अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो बहुत भाई फ़ोन भी आते, कमेंट भी आते, नैन साहब एक ऐसा मतलब शेयर परचेज करने वाला ईमानदार और सच्चा, मतलब जो बात कहती मतलब खरी है, सोने खरी पावा है। तो आज बाकी बहुत भाई पहचान भी गए होंगे क्योंकि नाम आते ही समझ जाते हैं मित भाई। तो बहुत गांव इनका सीसर और काफ़ी सारा पशुधन आज बिक्री के लिए उपलब्ध भी है। और एक जो होती है जो इनकी बहुत शानदार लगी, वो कैमरे के सामने देख भी पा रहे हो, तो इसकी भी जो डिटेल है वो बताऊँगे। बाकी दो तीन भैंसे हैं जो उनमें दूध तैयार भी है, तो सेल के लिए भी है भाई कुछ? सेल के लिए उधर से तीन को छोड़ के ये। अच्छा अच्छा, तो ये चार पाँच है जो सेल के लिए है। अच्छा, पहले भाई से मिलते हैं, उसके बाद जो पशुधन की डिटेल है वो बताऊँगे। और एक टाइम की मिल्किंग कर पाऊँगा भाई जी, तो एक टाइम की मिल्किंग भी करके दिखाओगे। बाकी मिल्किंग का कोई उद्देश्य नहीं होगा भाई, मतलब दूध दिखाने का, मतलब सिंपल ही होगा, चुआई चुई का पता लग जाए आपको, दूध का एस्टिमेट आ जाए। क्योंकि मिल्किंग तो यदि दिखानी है तो दो या तीन टाइम की होनी चाहिए, तो कोशिश करूँगा बस एक ही टाइम की हो पाओगी। तो पहले मिलते हैं भाई से, उसके बाद जो पशुधन की डिटेल है वो बताऊंगे। भाई जी राम राम। राम राम नैन साहब। ओ ठीक हो, वेलकम आपका मेरे गांव में आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, सारे देशवासियों को हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भाई। तो आज कितने चार पांच पशु है? हाँ। अच्छा, चार पशु तो बिक्री के लिए है। हाँ, अपने इस फार्म पे, गांव वाले फार्म पे चार पशु बिक्री के लिए, बाकी 10 से 12 पशु अपने जो। हाँ हाँ, वहाँ की वीडियो कवर करके अभी आया हूँ। तो एक बार अपना ये गांव का नाम क्या है? सीसर खरबला। सीसर है। हाँ जी, तहसील हासी, जिला हिसार। अच्छा अच्छा, सीसर वहाँ से, यहाँ से कितनी दूर आएगी? यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा अच्छा, तो ज्यादातर पशु मतलब कोशिश डेयरी वहाँ ज्यादा रहा है? ज्यादा रखते। अच्छा अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? ये फर्स्ट टाइमर जोटी है। अच्छा, दो दांत है मुंह से। अच्छा जी, और ये अभी खीस से खाली की है। अच्छा, ये दो, ये बच्चा बैठा है नीचे। ठीक ठीक, नीचे कटड़ा है। कटड़ा है। अच्छा, ये कटड़ा है जी। ठीक है भाई, दो दांत है। अच्छा अच्छा, खोलियो एक बार। चुवाई चुकी कैसे निकली जोटी? एकदम। अच्छा अच्छा, दिखाओ भाई। ठीक है भाई, ठीक है, चल कौन दी गिर भी चले दांत दी गिरे चलन दे भाई। वो जी दो दांत कटड़ी है, बहुत शानदार। खाली होती मन दूध आते कितने का होगा भाई? मान सकते तो मान के चलो 6 केजी के आसपास। अच्छा अच्छा, बाकी खीस में तो बढ़िया बन रही होगी जो टी अड्डर। खूब अच्छी है। बाकी पहले भी अंत के भाई देखो, बिना 20 दिन में जाएगा पशुधन तैयार हुआ बढ़िया, मैले मुले से लग के। हाँ, बहुत बढ़िया है। और मुट्ठी का थाना भाई जानू प्योसे के पास कैसे निकला? बढ़िया थाना, बढ़िया थाना निकला। अच्छा अच्छा, बाकी खुराकी पैर पूर तो नहीं मारती होगी? ना ना, बस थोड़ी हल्की पुल्की देखो करेगी। हाँ हाँ, थोड़ी बाह बात दिया ही होगा पशु में। तो भाई देखो अड्डर का जो सब भी बहुत बढ़िया खाली होती का। ठीक है भाई, चलो बंद हो। तो इसे कितने को उम्मीद कर सकते हैं भाई दूध दादगी? हम तो नहीं साहब, इससे 12 लीटर दूध की उम्मीद करते। अच्छा अच्छा, और इसकी जो कीमत क्या रहेगी? कीमत इसकी 1,10,000। 1,10,000 रुपये। ठीक है भाई, थोड़ा मौसम बदलने की वजह से अभी डिलीवरी टाइम है ना वो कम है। हाँ, इसलिए थोड़ा पशुओं के भाव में उछाला रह रही है। हाँ हाँ, तेजी ही है। ये भी फर्स्ट टाइमर है। अच्छा अच्छा, ये भी फर्स्ट टाइमर है, मुंह से दो दांत है। अच्छा जी, ठीक है भाई। मौके पे 9 लीटर से ज्यादा दूध है, ये 7 दिन की बच्ची हुई है। अच्छा अच्छा, 7 दिन की भी आई है। ये दर फिशाई कैसी है भाई? टॉप क्वालिटी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, देख सकते हो जी अड्डर का जोश बहुत बढ़िया जोटी का। थोड़ी ही और चलन दे भाई, घुमा ले भाई। चुवाई चुकी बढ़िया एकदम, फोकी चुवाई की है। अच्छा, चुवाई ये दिखा देंगे। चलो कुछ करके दिखा देंगे। कितना निकाल देंगे टाइम पे दूध? ये भी अनुमान के चलो 12-13 लीटर दूध ही निकाल देगी। अच्छा अच्छा, उम्मीद 12-13 तो पक्का निकालेगी। और वाला कोई अच्छा खिलाएगा, बढ़िया ढंग से रख रखाव करेगा तो हो सके ज्यादा भी दे देने। हम तो 12-13 लीटर ही कह के देवांगे किसी को भी देवा। ना ना, बात ठीक, ज्यादा निकाल दे अगले की किस्मत का अच्छा है। हाँ हाँ, कम इधर से बोल के देवा और वहां जाके कम निकालेगा अगले की आत्मा दुख पाती है। हम तो पहले ही 2 लीटर दूध कम बोल के देते किसी को। तो इसकी क्या कीमत रहेगी? इसकी 1,15,000। 1,15,000 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद ये भी अपनी, इसको आप थर्ड टाइमर कह सकते हो। अच्छा जी, कहने का तो इसको और कोई सेकंड भी बोल दे लेकिन ये थर्ड टाइमर है। हाँ, और इसके अभी मौके पे कांडे का तोल इसका 19 से 20 केजी दूध है। अच्छा हो अच्छा, सकता है 20 प्लस भी हो लेकिन मैं आपको 1 लीटर कम ही बताऊंगा। 19 से 20 केजी ले भाई,
तीसरे ब्यांत की भैंस बोल सकते हैं, भैंस जोटी। थोड़ा एक कपड़ा ठंड की वजह से ढका हुआ, लेकिन अडर का जोश देख सकते हो जी, बहुत ज्यादा बहुत शानदार। बाकी फुल बारी वर्क में जी, हाँ भाई भाई एक मिनट रोक ले आराम से, थोड़ी बच्चा हमारा करे पशु, चलो बांध लो वहाँ वहीं से दिखा देंगे। बिल्कुल ब्लैक जेड। हाँ कितने दिन की ब्याह ये एक महीने करीब हो रही है। अच्छा अच्छा मैले मुले चलो लग के फिर। बिल्कुल मैले मुले चल के क्लीन साफ है। अच्छा अच्छा क्लीन साफ है। मैं तो इसका 19-20 ही बोलता हूँ, हो सकता है 20 से प्लस भी हो। अच्छा 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 दो दिन थोड़ी अच्छी संभाल कर ले, अच्छी केयर कर दे तो 20 से ऊपर हो जाती है, अगर थोड़ी कम केयर हो तो डाउन हो जाती है। बाकी देखो राम ज्यादा, अगर सर्दी नॉर्मल सर्दी हो ना, हाँ हाँ दो लीटर दूध 3 लीटर दूध की और इसके अंदर नॉर्मल गुंजाइश है। अच्छा अच्छा कोशिश अब भी लग रहा हूँ कि एक बार सोचता कि 24 लीटर करीब हो जाए, कोशिश अब भी पूरी है, पूरी उम्मीद है। ठीक है भाई, उसके बाद ये भी अपनी थर्ड टाइमर है। अच्छा जी, इसके नीचे भी कांटे का तोल का 18-19 किलो दूध है। अच्छा अच्छा 20 से प्लस थी, यह भी डोका कर रही थी, हिट में आ रही थी। अच्छा अच्छा तो प्रेग्नेंट करवा दी क्या? नहीं प्रेग्नेंट नहीं करवाई। अच्छा अच्छा इनको दोनों का HLDB का फॉर्म रखा है। हाँ HLDB में दोनों का दूध रिकॉर्ड कराए बिल्कुल। अच्छा अच्छा पतली गर्दन की है। हाँ भाई बाकी भाई बहुत शानदार अड्डर है। चोच भी कैसी है? टॉप की। अच्छा अच्छा निकला के दिखाएंगे। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि नैन साहब इसकी 2 टेम 3 टेम दोनों की मिल्किंग करो तो अच्छा है, देखने वाला कोई पता चल जाए। और मैं फोन भाई होगा आप मोबाइल में मैसेज जो HLD फार्म का दोनों का फार्म अप्लाई कर सकते। अच्छा अच्छा HLDB में ठीक ठीक। बाकी भाई देखो डेट आने में समय लग जाता है। नहीं आने वाली है। अच्छा अच्छा इसी में आ सकती है। ठीक है तो इनकी कीमत बाद में करोगे दूध तलवाने के बाद? बाद में कर देंगे, अगर कोई पहले लेने का इच्छुक होगा तो सौदा पहले कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सौदा पहले कर सकते हैं, लेकिन दूध रिकॉर्ड करने के बाद ही देंगे, क्योंकि डॉक्टर अच्छा, की टीम भी आ चुकी है। अच्छा डॉक्टर भी अपने इसको सिलेक्ट करके जा चुके हैं इनको। ठीक ठीक अगर फिर अगर दूध ना तोला तो गाँव वाले भी और डॉक्टर भी सभी कहेंगे कि भाई वैसे 2 नंबर में झूठ बोल के फार्म भर दिया, दूध नहीं था। ना ये बात भी आपकी ठीक है, दूध एक बार पहले रिकॉर्ड कराएंगे उसके बाद में बेच देंगे। अच्छा अच्छा अगर मोल पूछना था तो मोल आज ही बता देंगे, उसमें हमने कोई बुराई नहीं। अच्छा अच्छा मोल में कोई दिक्कत नहीं। बताओगे एक बार कौन सी का क्या कीमत है? ये वहाँ तो भाई थोड़ी डुल रही, बाकी अभी दिखाता हूँ आपको इसका थनों का गैप, ये देख सकते हो जी बहुत ज्यादा, जैसे थनिया मतलब पूरा मोटा बढ़िया निकाला है। बढ़िया। अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें कितना बता था? 20 लीटर 20 लीटर कांडे का तोल का 20 kg बोल सकते हो। अच्छा तो इसकी क्या कीमत रखी है? इसकी कीमत 1,85,000 रुपए है। 1,85,000 रुपए ये है 20-21 किलो दूध पे। हाँ अगर 24 किलो 25 किलो दूध कर दिया तो फिर मैं इसका रेट ऊपर कर सकता हूँ, इसमें ये नहीं सोचे कि भाई झूठ बोल के कोई कर दिया। अगर 24-25 किलो दूध कर दिया तो ऊपर कर देंगे। हाँ हाँ अगर बैक मार दिया 15-16 लीटर प्याज कम कर देंगे, इसमें भी कोई दोहराई को ना। ना बात ठीक है आपकी। और इसकी क्या कीमत रहेगी? इसकी 1.5 लाख रुपए। अच्छा कांडे पे तोल के ले जा सकता है कोई भी भाई 4 टाइम तक। 18-19 किलो दूध इसके भी अभी कांडे का तोल का। ठीक है ठीक है ठीक है। और इन्हें जैसी बहुत शांत सील भैंस है। हाँ हाँ सराफत बहुत बढ़िया है, इसको थोड़े टहलाओगे ना आप उससे भी टहलाने से भी नहीं टहलती। नहीं नहीं बहुत शांत ठीक है। थन भी बिल्कुल सीधे थन है। हाँ हाँ इधर से दिखाओ बिल्कुल सीधे थन है। हाँ ये देखो बस ठीक बहुत बढ़िया जमा जबरदस्त ब्लैक काली जेड है। हाँ हाँ पतली गर्दन है, ये थोड़े किसान ने इसकी अच्छी चराई नहीं कर रखी थी। अगर इसकी अच्छी चराई हो जाए तो ये भैंस भी अगले साल 23-22-23 लीटर दूध नॉर्मल। हाँ 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 नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन भैंस में देखो भाई जी देखो आप जैसे कि ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ नरम स्वभाव की ना सराप तो बहुत बढ़िया है। हाँ देखो भाई ठीक है भाई, उसके बाद ये नीचे कटिया है शानदार कटिया है। अच्छा कौन सी भाई इसकी? ये कटिया 1.5 महीने के करीब हो रही है। ये भी नहीं किया हम किसी को कहे किया 15 दिन की झूठ का तो भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं। 1.5 महीने की ये नीचे कटिया है। अच्छा शानदार बिल्कुल पतले चेहरे की बढ़िया शानदार ठीक है कटड़ी अच्छी है। और उसका ये कटड़ा है? नहीं उसका वो कटड़ा। अच्छा अच्छा 1 महीने का उसका वो कटड़ा। अच्छा, ये तो अपनी घरवाली जोटी का कटड़ा है। ठीक ठीक ये तो अपनी घर की जोटी का कटड़ा। अच्छा अच्छा हाँ कटड़ा बढ़िया तैयारी में सही टेस्टिकल वगैरह से एकदम से बिल्कुल फिट है, दूध भी अच्छा पिलाते। अच्छा अच्छा दूध भी अच्छा। तो
उसके बाद किसान भाइयों, अगर आपका पशु समय पर नया नहाता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 80595 37000 पर संपर्क करें। ठीक है, तो यह सेल के लिए है, नोट नहीं, पर सेल है। ये सेल के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। उसके बाद है? ये इसी की माँ है। अच्छा, इस जोटी की माता है ये। अच्छा, अभी दूध से 3.5 महीने बहने के बाकी है। एक टाइम दूध देती है, अभी भी दूध देती है करीबन या 8 से 9 kg के बीच में एक टाइम दूध देती है। अच्छा, सुबह या शाम को? अभी शाम को निकाल दिया था इसका आपके आने से पहले। अच्छा, ये बच्चा है ना, ये इसका कटड़ा है, ये रिंगने लगती दोनों माँ बेटा। अच्छा अच्छा, दूध देखिए एक टाइम पा रही ना, थोड़ा जल्दी निकालना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी रिंगने पड़ता। कौन से ब्यांत में अभी ये? अभी चौथे ब्यांत में बच्चा दे गया। फिर क्या, अभी थोड़ी दुबली पतली ज्यादा हो रही है इसकी। मैं आपको कहूँ तो पूरे जो ताजा पीक पे थी ना, वीडियो भी दिखा दूंगा, पहचान में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, कम हो जाए दूध देती ज्यादा लंबा। चलो मेरे पास डाल दियो, मैं साथ में लगा दियो, वीडियो के साथ में लग जाएगी इसकी। मैं आपको वीडियो में देखने वाला पहचान नहीं सकता, अगर कोई भी आदमी सोचता की भाई इतनी। हाँ हाँ, आप 2 महीने के अंदर ही बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी तो इसका 3.5 महीने बहने का समय बाकी है। 3.5 महीने में तो एकदम फुल वेट में हो जाएगी इसी के समान। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। उसके बाद ये अपनी चोटी, ये आपकी घर की चोटी है, ये आपकी अब की बार अनुमान 3.5 महीने बहने के शेष इसके। अच्छा अच्छा, चौथी बार बच्चा देगी। अच्छा हाँ, झूठ का कोई मतलब को नहीं, झूठ बोल के लोग इसको कहो तो दूसरे में तीसरे में कुछ भी, और तीसरे में तो बिल्कुल आप इसको चला भी सकते हो। हाँ हाँ, बहने तो तीसरे में तो चल भी जाएगी। और पिछले साल पिछले जीतू भाई ने 2 दिसंबर को इसका, ये दिसंबर नहीं उससे पिछला दिसंबर, अच्छा अच्छा, 2 दिसंबर को लाइव मिल्किंग करी थी जित्तू भाई ने 3 समय इसका। उस समय इसका पहले टाइम का दूध हुआ था 13 किलो 800 ग्राम। हाँ, उसके बाद में 12600, उसके बाद में 12600। अच्छा अच्छा, 3 समय की लाइव मिल्किंग करी थी और HLDB में इसका दूध भी रिकॉर्ड करवा रखा था। अच्छा, उसमें कितना हुआ था? उसमें तो इसका सिर्फ 22 से 23 लीटर दूध था। अच्छा अच्छा, ये उस HLDB में जो रिकॉर्ड था ना वो इसका सेकंड टाइम में था। अच्छा अच्छा, सेकंड टाइम में था, थर्ड बार में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भैया पिछले साल लग चुकी है HLDB में, अब की बार इसको नहीं। अच्छा अच्छा, चलो इसी बात पे एक सवाल और मेरा खड़ा हो गया, मतलब यदि पशु को एक बार मतलब रिकॉर्डिंग करवा दिया अपने, तो किसी के अंदर भी मतलब HLDB या और भी बहुत सारी है, तो उसको दोबारा क्यों नहीं करवा सकते? उसको ईमानदारी से और एक नंबर के काम से तो आप लगा नहीं सकते। अच्छा, डुप्लीकेट से किसान बदल के उसका दूध आप रिकॉर्ड करवा सकते। देखो मैं ज़्यादा इतना नॉलेज तो है कौन, ये डॉक्टरों की बात, डॉक्टर बोलते हैं कि एक बार भैंस एक बार ही रिकॉर्डिंग होगी तो होगी, जो सरकारी संस्था चल रही है वो सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड करा सकती है। अच्छा अच्छा, तो इसी पे बात चलती है, मतलब इवाम पशुपालक सोचता है यार दूध कुकर रिकॉर्ड करवाओ, मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा यदि किसी भाई की अच्छी भैंस है तो उसको? ये जो छोटे भाई है ये ही भरते अपने फार्म। अच्छा अच्छा भाई जी, आइए सामने एक बार। अब पीछे भी अब तो मतलब देखो जो बेची थी ना, हाँ, एक जोटी अब मैं इसके साथ की जोटी थी, सेकंड टाइमर थी। अच्छा, हाँ, आपने ये भाई लेके गए थे, एक जगजीत, जगजीत भाई लेके गए थे बरनाला से। अच्छा अच्छा, 10 लाख रुपए की जगजीत भाई, वो भी हमने HLDB में उसका भी दूध रिकॉर्ड करवा था अभी कोई 1 महीना पहले। अच्छा अच्छा, 1 महीना पहले उसका HLDB में दूध रिकॉर्ड करा था और उसको भी लेके गए हैं जगजीत भाई, ये बरनाला से। अच्छा अच्छा, देने का कोई विचार नहीं था, 1.5-2 महीने से काफी बार फोन आ रहे थे, कई बार आ चुका था अपनी फैमिली को लेके, नहीं भाई दे 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 दे, बदल दिया था कि अच्छी उसके नीचे भी कर ली बिस्मा बुल की बढ़िया पकड़ी थी। अच्छा अच्छा, पहले भाई से मिलते, भाई जी राम राम। राम राम भाई सर, ओ ठीक हो? बढ़िया भाई सर। अपना शुभ नाम क्या है? पवन कुमार। पवन कुमार, बाकी आप पब्लिक के सामने कम आए हो, जो हिम्मत भाई से बड़े भाई है क्या? ओ मास्टर जी, नरेश भाई। अच्छा अच्छा, नरेश भाई, तो वह तो डायरी फार्म पे मिल गए थे, उनकी वीडियो कवर कर ली, हिम्मत भाई आ लिए थे, तो आप तो बहुत कमाते हो। मैं बिल्कुल कमाता हूं। अच्छा अच्छा, तो मतलब बात चल रही थी ये रिकॉर्डिंग वाली, तो मतलब शुरुआत कैसी कर, मतलब किसी के पास 20+ से ऊपर की भैंस है तो उसकी क्या करना पड़ेगा उनको? उसको
सीएससी सेंटर होता है गांव के अंदर, दिशा के अंदर, अंदर जाके फार्म अप्लाई, या उसको पंचायत घर बोल सकते हैं, पंचायत उसके अंदर होते हैं, गांव के अंदर होता है, गांव के अंदर होता है, हर गांव के अंदर मिल जाएगा, अंदर उसके अंदर डॉक्यूमेंट ले जाके फार्म भरना पड़ता है चंडीजू का। अच्छा अच्छा, डॉक्यूमेंट बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे आधार, आधार कार्ड हो गया, फैमिली आईडी होगी, और ये बताना भी बैस कब ब्याई है, कितने दिन की ब्याई होगी, उसके नीचे मेल काफ या फीमेल काफ, ये जानकारी देनी होती है। उसके बाद वो फार्म अप्लाई कर देंगे, उससे 4 या 5 दिन बाद डेट आ जाएगी, भाई इस डेट को आपका मिल्किंग रिकॉर्ड होगा। हाँ, बीच में डॉक्टर की टीम आती है, एक बार डॉक्टर की टीम आती सर्वे करने के लिए, आपको कौन से पशु, जो डॉक्टर गांव का है वही आएगा, गांव का जो अपने सरकारी अस्पताल में जो अपने डॉक्टर ड्यूटी है जिसकी, हाँ ड्यूटी वीएलडी डॉक्टर आते हैं, हाँ वो एक बार देखते हैं कि भैंस दूध देने लायक है कैटेगरी के अंदर है या नहीं है, हाँ फिर वो इधर से यस करके आगे भेजते हैं, फिर उसके बाद में डेट आ जाती है। मान के चलो 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है इसमें, इन्हें सारे बीच में तो बीच में। मतलब मिल्किंग होगी तो कितने टाइम की होती है? 4 टाइम की मिल्किंग, एक टाइम खाली, टाइम में खाली करनी होती है, 3 टाइम का वो दूध वजन करें काटा है वजन पे होगा। अच्छा, और जो टोटल दूध दिखाता है कौन कौन से टाइम का होता है वो? सेकंड थर्ड और फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम की मिल्किंग। अच्छा अच्छा, तीनों को एक साथ कैलकुलेशन करके, एक दिन सुबह शाम और एक दिन अगले सुबह। अच्छा अच्छा, मतलब मिल्किंग होगी 4 टाइम, 4 टाइम, एक टाइम का कैलकुलेशन, एक टाइम का वजन काटने में जोड़ा नहीं जाता, जोड़ा नहीं। हाँ हाँ, मतलब खाली बोल सकते हैं वो, अपने हाथ से खाली देखते हैं कि भैंस खाली होगी नहीं। हाँ, खाली चेक करके, बिल्कुल दूध नहीं होना चाहिए उसके चारों थनों में खाली। फिर उसके बाद की जो आने वाली, जो लगातार 3 टाइम हो गया ना, उनका दूध रिकॉर्ड कराया जाए। बाकी एक बात देखने को मिली मैंने, जो कर जितनी भी मतलब अच्छी भैंस देखी मैंने दूध वाली, जो रिकॉर्ड करवा मतलब उससे जब वो भैंस मतलब नुकन ने इतना दूध निकाल लिया इसने, और रिकॉर्डिंग से अच्छा दूध निकाला है, जो कर आप ही बोल रहे थे मतलब इसने 22-23 निकाला रिकॉर्डिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद ये 25 पे चली गई। ये सेकंड टाइमर में 23 लीटर दूध दिया, सेकंड टाइमर में 23, वो जो थर्ड टाइमर में उसमें 26 लीटर। अच्छा अच्छा, लेकिन कनखरिया में देखने में मिलता होगा आपने भी, मतलब रिकॉर्डिंग में कम पाओ घर नॉर्मल में बहुत ज्यादा निकल क्या है, तो पशु सफर में चल के जाता है। हाँ, पशु सफर में चल के जाएगा, स्ट्रेस पशु मान जाता है, अलग जगह का भी फर्क पड़ जाता है। हाँ हाँ, दूसरी जगह जाके दूध निकाले, इनका जो जापिन का दूध निकालने की आदत रहती है ना, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं मानेंगे वहाँ पे, कम से कम जहाँ पे दूध की रिकॉर्डिंग होती है 40 से 50 आदमी भी इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा शोर शराबा रहता है, उस वजह से थोड़ा पशु के प्रेशर पड़ जाता है और 1-2 लीटर दूध कम देती है। अच्छा अच्छा, चलो भाई देखो वीडियो लंबी होगी लेकिन थोड़ी और जानकारी लेना भाई जी, अपना कितना तजुर्बा पशुओं का? भाई जी बस भगवान की दया है, ठीक टाइम पास हो रहा है, कोई ज्यादा तजर्बा है कोई नहीं। अच्छा अच्छा, जो भगवान की दया से जो भी पशु लेके आते हैं कस्टमर को देते, मतलब कितने साल हो गए पशुओं काम करते ने? 3 पीढ़ी से कारोबार है। अच्छा अच्छा, और मैंने भी अनुमान को चलो 2005 से मैं इस कारोबार में लगा हुआ हूँ, 2005 से, और जो तजुर्बा है ना वो तो जो मेरे बाहर के कस्टमर आते हैं ना, तभी सूत बैठा भगवान ने चाहा, उनसे मुलाकात करवाते हैं, मेरे मुंह से तो क्या तब मत सच बोल रहा दूध, जो ग्राहक लेके जाते हैं ना, हाँ, वही आपको संतुष्टि करेंगे भाई, कितने लीटर दूध की भैंस जाती है हमारे पास, पूरे भारत में जाती है अपनी भैंस, पूरे भारत में जाती है, ऐसा कोई कोना कोनी जहाँ पे अपनी भैंस नहीं जाती। अच्छा अच्छा, मतलब देखो ये एवरेज रहती है 15 से तो नीचे का तो कोई भैंस में, कोई रेरी भैंस होती है 15-16-17-18 ये नॉर्मल है, कोई कोई वैसे 20-21 की भी चले जाती है, मैं ये कह दूँ नहीं भाई मेरे तो सभी वैसे 20-21 की जाती है। हाँ हाँ, 15-16 की तो काफी सारी वैसे, बाकी दूध ठीक हो जाए 15-16 बहुत है, काफी हो जाता है, और बाहर का और जो भी पशु जाते हैं ना 2000 किलोमीटर 3000 की 2000 तो नॉर्मल कई वैसों का सफर है, जिस तरह अपने पुना हो गया है, द्रामा हो गया, ये 2000 किलोमीटर का सफर तय करके जाती है, और 2000 किलोमीटर बहुत हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत है, और जबलपुर भी अपनी काफी वैसे जाती है, हीरा भाई से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, सालाना कम से कम 125 से 150 वैसे उनके जाती है। अच्छा अच्छा, तो चलो भाई कभी परमात्मा ने सुख दिया तो मिलने जरूर आओगे, उनके भी ग्राहकों से बात करवाओगे। अभी आए थे पीछे, वीडियो भी कवर कराए थे, अभी 2 गाड़ी माल लेके गए मेरे से, 2 गाड़ी भैंस लेके गए पूरी। अच्छा अच्छा, 22 भैंसे गई थी, एक ये मेरा घर का कटड़ा है। हाँ हाँ, ये भी उन्हें ले रखा है। अच्छा, ये सेल कर दिया आपने? हाँ भाई, सेल तो क्या, मेरी उनसे जबान हो रही कि भाई वो कह रहा है कि मेरे को दे दे, किसी और को मत दे। हाँ हाँ, इसकी चोटियाँ पिछले साल का कटड़ा भी अपने
प्रीत भाई लेके गए थे मेरे से। अच्छा अच्छा। इसका पिछले साल अकड़ा 3 लाख रुपए का बेचा था, उसके लिए भी बोल रहे थे कटड़ा मेरे को दे दे, वो भी नहीं आ। अब तो ये बोल रहे कि नहीं ये तो मेरे को देना ही देना, माँ भाई आपको पसंद आ जाओ। अच्छा अच्छा। यही चीज जो अपने इधर से 2 नंबर पे दुबली पतली ठीक ठीक उसी वैसा कटड़ा बिल्कुल छोटा सीन बनेगा, गोल्ड रिंग सीन है ना ना, बढ़िया कटड़ा भाई ठीक। इमें तो भाई अपना मोबाइल नंबर 98131-17054 ठीक, 98122-22584। अच्छा, अपने दो मोबाइल नंबर है, एक मेरा एक बड़े भाई का मास्टर जी का। अच्छा अच्छा। तो चलो भाई, भाई का भी नंबर दे देता हूँ, 97287-14400। अच्छा अच्छा। कई बार बिजी शेड्यूल होने की वजह से फोन नहीं उठा पाते भाई, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दियो, बाद में उठा लेंगे और आपसे बात भी हो जाएगी। ठीक ठीक। कई बार बिजी शेड्यूल होने की वजह से फोन ना उठे तो अगला परेशान हो जाएगा कि भाई हम तो भाई 8 लाख की बिक्री। तो मोटी बात मतलब यह लाइफ में एक ही झोटी बेची है 10 लाख की, मैंने बेची भी नहीं है कि भाई मैं कह दूं कि भाई मैंने तो 10-10 लाख की कई बेची, सिर्फ 10 लाख की एक बेची है, 3 की, 3.5 की, 4 की, 3 की, 3.5 की, 4 की है। देखो मैंने कई भैंसे बेच भी चुका। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन उनमें प्रॉफिट कमाया भाई, झूठी को नहीं कहा कि भाई मैंने 1000-2000 में दे दिया। हाँ, उन मैनू मान लो भाई किसी भैंस में तो 50-50 हज़ार रुपये भी प्रॉफिट। बाकी जो मेरे पास कस्टमर आते हैं ना, उनको मैंने कई भैंसे दिला चुका हूँ मैं, 3 लाख की, 3.5 लाख की, 4 लाख की, बाहर वालों को डायरेक्ट किसानों से। अच्छा अच्छा। डायरेक्ट किसान। तो आपने जो करिए प्रॉफिट की बात करी, मतलब घनखरे सोचा कि जो कर भाई मार पाई 2-2.5 लाख की मैच लेगा जो बिरयानी का की, लेकिन उनको ये तो नहीं पता ये नुकसान भी कर सकती है जाके। नुकसान भी कर सकती है भाई, जो जो आदमी कोई भी ला लो किसी से भी, जो आदमी 2.5 लाख रुपए की भैंस खरीद के लेके जाएगा ना, वो 2-4 हज़ार रुपए खरीदता भी नहीं 2-4 के लिए। वो कम से कम उसका मार्जिन 20,000 से 50,000 तो उसका मार्जिन मान के भी चलियो, सच्चाई ऐसी बात शायद कोई बताओ भी। और जो आदमी लाल जो 2.5 लाख की भैंस खरीदेगा 2000 की। हाँ हाँ। 2000 की। और मैंने डायरी में से अभी वीडियो कवर कर दी तो नरेश भाई ने जो मास्टर जी है ना, तो उन्होंने कई भैंसों की तो मतलब ये बता अपने घर आ रही है इतने की। हाँ। मतलब ना कि रेट करिया। जो भी भैंस का किसी भी भाई को खरीद पूछनी हो। हाँ हाँ। बेझिझक होके पूरा एड्रेस पता दे देंगे। हाँ हाँ। किसान का गाँव का जो जो अपने को किसान के घर से लेके आए ना, उसका फोन नंबर एड्रेस जाके मालूम कर लेगा। अगर 1 रुपया फर्क पा जाए तो भाई जुम्मेवार उस चीज के, नफा मांगेंगे तो कह के ओरिजिनल नफे पे ही देते हैं। झूठकार हो रहा फेरी का तो भाई को मतलब ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये भाई के नंबर है जो 2-3 लगातार वीडियो के अंदर चल रहा है, बाकी सभी भाई जानते हैं। देखो भाई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो भाई साहब ये नैन साहब आपका देखो बड़प्पन है, हम तो कैसे धूल मात्र भी नहीं है, देशवासियों का प्यार है और उस प्यार पे हम खरे उतरने की यही कोशिश करते हैं कि भाई बिल्कुल 100% खरे रहे। ना ना, कई बार देखो मैंने ये देखे, मैं कई बार बहुत कम समय मिला यूट्यूब पर लाइव, लेकिन जब भी आऊ नहीं तो मतलब बहुत भाई तो कमेंट करा कि मत सर की वीडियो बनाओ, माँ भाई तो परमात्मा ने दिन दिया तो जरूर पहुंचाएंगे। तो आज अपने देशवासियों का प्यार है और उस प्यार पे खरे उतरेंगे, ये अपना वादा है, धोखा नहीं करेंगे किसी के साथ में भी, किसी भी प्रकार का कोई दूध में करेंगे मैगी भाव में करेंगे। हाँ हाँ। जो चीज होगी क्लियर बोल के देते हैं इधर से। और देखो भाई, देखा आपने तो मतलब 2005 से काम लग रहे हो। हाँ। लेकिन व्यापार का दूसरा नाम धोखाधड़ी भी बोला जावा है, काफी काफी है। हाँ? इसमें मान के चलो व्यापार में धोखा भी, हमारे साथ भी धोखे होते हैं। हाँ हाँ। होते हैं, पशु किसान हमें भी गलत दे देता है और हमारी भैंस से बाहर जाती है, कोई आदमी पेमेंट भी नहीं देता, हर तरह के हैं। और ऐसे ऐसे इंसान भी मिले मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से ही, आज उनके साथ इतना बहुत गहरा रिश्ता बना हुआ है। अगर मेरे को किसी भी टाइम अगर ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, अगर 2-3 करोड़ रुपए की भी अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं 5 दिन के अंदर इकट्ठे कर सकता हूँ। ऐसे अच्छा, ऐसे मेरे को यार दोस्त मिले हैं जो एट ए टाइम किसी से मैं उनसे 5-10-15 लाख रुपए किसी से उधार उठा सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान भी मिले हैं और ये नहीं कि भाई बुरे मिले, बुरे नाम मात्र मिले हैं, अच्छे इंसान तो इतने भाई जी। देखो या तो मतलब सोच की बात हो जाए, यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे इंसान मिलेंगे, बुरा सोचेंगे मतलब किसी ने सोचा ही नहीं अगलिया का मैं उसके रुपये देने तो बुरा होगा। नहीं, ठीक है, नहीं भगवान की दया से देखो गलत कम मिले हैं, अच्छे बहुत मिले, बहुत ज्यादा अच्छे लोग मिले हैं जिनका अपने बिल्कुल घर के संबंध बने हुए हैं, जिससे में भी जरूरत पड़ती है हमें किसी भी प्रकार की तो किसी भी जो भी है नहीं कि अकेले रुपए की, जो भी उनसे कुछ भी हेल्प की जरूरत हो वो हेल्प के लिए बिल्कुल खड़े मिलते हैं हमको 24 घंटे। अच्छा अच्छा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन एक बात हो रहेगी बस सिंपल सी, मतलब आज तक रोजगार के इतने साधन कौन रहे। हाँ।
तो आप मतलब सेल परचेज के साथ अपने घर की जो जरूरत है पूरी कर सका आसानी से? सेल परचेज के साथ कर सकते हैं आसानी से, या अपना दूध सेल करके भी मतलब? देखो दूध में तुम आपको एक चीज और बताऊं, जो कई भाई हैं, कई भाइयों को मेरी वीडियो शायद बुरी भी लगे, सोचें कि भाई जो आदमी 40-50 हजार की नौकरी करता है ना, मैं उस आदमी को कहता नहीं कि भाई वो आदमी अपनी नौकरी छोड़ के इस धंधे में लग जाओ। वो एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकता अपना, नौकरी के साथ में एक्स्ट्रा अपना धंधा कर सकता है। और दूध के अंदर दूध के भाव कम मिलते हैं, और जो राशन है ना वो उसके भाव काफी है। जिस तरह बिनोले की खल है, बिनोले की खल 250 की, 2200-2300 के आसपास हो रही है, 2250 रुपए की 49 किलो खल मिलती है। इसी तरह चने की चूरी के भी 1600-1700 के 50 किलो के भाव है। ये जो राशन है भैंसों का उनके रेट ज्यादा है, दूध का रेट कम है। सेल परचेज मिला के और अच्छी भैंस, जिस तरह 14-15-16 किलो की भैंस में इंसान को पड़ता खा जाता है, 10-11 किलो में तो देखो कुछ बचना नहीं, सीधी बात है। जो भैंस 14-15 किलो दूध दे देगी ना, उसको दूध में भी 2 रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा। ये नहीं कि भाई एकदम इस साइड में इस लाइन में 1 करोड़पति हो जाएगा, धीरे धीरे अनुग्रह ठोकर खा का इंसान बना क्या, अब तो सरुमान दे टोटा का निशानी का भी हाथ लाग जे। देखो किस्मत होती सबकी अपनी, सबकी क्लास के अंदर एक परीक्षा के अंदर हजारों बच्चे परीक्षा की मेरिट थोड़ी आती है। ना, ये तो बात है कि लगन और मेहनत के ऊपर है कि वे कितनी लगन करता है, कितनी मेहनत और उसकी किस्मत क्या, उसी के हिसाब से उसकी मेरिट बनती है, नंबर आता। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और भाई देखो पशुधन कैसे लगे यार, नुकेरा 25 मिनट में तो किसी ने घना ज्ञान तो बन कौन जानता, लेकिन जिसका नुकह समझ में आज आए जा है, ठीक है नहीं, बाकी एक शब्द के दो अर्थ लिखड़ा, अच्छा भी माड़ा भी, तो आप देख सकते हो भाई जिस भाई का जो ठीक लग गया। भाई अपने दूध वाले आते हैं, हाँ दूध के लिए बैठे सुबह शाम अपना यही टाइम है। अच्छा, दूध के लिए जो ये दूध वाले आए हुए हैं। अच्छा, तो अपना सारा दूध यही लग जाता है लगभग अपना इन भैंसों का, तो दूध लगभग ये मान के चलो मेरे इधर से 50 किलो दूध एक समय का दूध आराम से एक टाइम का 50 kg दूध लग जाता है। अच्छा, पूरा हो भी नहीं पाता। अच्छा, और इनको पता अपना जो दूध है ना उनकी आंखों के सामने निकलता बिल्कुल प्योर दूध जाता है। अच्छा, बाकी एक ये ताई है। हाँ, दूध किसी प्रकार की अच्छा धोखाधड़ी नहीं है। चलो इनसे पूछे भी गे प्रवीण भाई, करो बात पूछो ये सभी से। अच्छा, पहले इनसे मिलते हैं। ताई जी नमस्कार। नमस्कार, ठीक हो? जमार ठीक है। अच्छा, पास में से ही? हाँ, उरे महापास में। आने हैं घर में। अच्छा, दूध कितने दिन हो गए उरते ले देना? सारी बार ले जाओ, सही है जिदे ले जाओ, 10 किलो सही है 10 किलो ले जाओ, 5 किलो सही है 5 किलो। अच्छा, कितना सही जितना घर में दूध सही मिला है? सही मिला। अच्छा भाई, राम राम। राम राम, ठीक हो? अपना शुभ नाम क्या? प्रवीण। पास में थे? अच्छा, इनके टाबर में तो नहीं हो गए? अच्छा, पड़ोसी है। मेरा गांव सिस्सर है, ये जो अपने दूध वाले ये खरबला है। अच्छा, दोनों गांव इकट्ठे हैं, ये इस साइड सिस्सर इस साइड खरबला। अच्छा, कितने दिन हो गए इनसे दूध लेते? एक साल से ऊपर हो गया मेरे को। अच्छा, लगातार पहले परिवार में और ले जाते हैं जिनको 3 या 4 साल हो गए लगातार। हाँ, आप पशु नहीं रखते? नहीं, अब नहीं रखते, पिछले 1-2 साल से हमने छोड़ दिया। कोई वजह? नहीं, बस यही सर्विसमैन है। लेकिन देखो सर्विस